बीजेपी को मैंने भी वोट दिया, लेकिन ना अब मैं नहीं भाई। आप कान पकड़ लिए? बिल्कुल, जब तक जिंदा रहूंगा, जीवित रहूंगा। मोदी अंधभक्ति नहीं है, ताली पाप दिया, हम लोग चूसते रहे अंधभक्त, अब नहीं आने वाले हैं। अभी निकाल अपने मोदी ने अपने घर से खेत बेच के पैसा ले आया, मंदिर बनवा दिया, पैसा तो हमारा है, घर से पैसा ले आया, क्या गुजरात से ले आया, मंदिर बनवा दिया। 6 बजे तक काम कर रहे हैं भाई साहब, आटा देख रही हैं आप, किस भाव चल रहा है आटा? 4 रुपए किलो चल रहा है आटा, है महंगाई देखो, हर चीज देखो, काम आई ना, काम आई ना, 6 बजे तक काम कर रहे हैं। हाँ आटे बंद करें, गेहूँ चल रहा है, हर चीज चल रहा है, बताइए क्या रोजगार करें। हाँ भैया जी, हाँ अच्छे दिन आगे और कितने अच्छे दिन चाहिए, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, काम अच्छे दिन आ रहे हैं, अभी तो और अच्छे दिन आएंगे, आगे आगे और अच्छे दिन आएंगे, अभी का देखा है भैया आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, आटा अच्छे दिन आ गए। अरे भाई सस्ता कब, इससे सस्ता कब था? अगर गेहूं महंगा किसान को बेचना है तो आटा सस्ता कहां से मिल जाए, सरसों अगर महंगी बेचनी है तो तेल सस्ता कहां से मिल जाएगा? 25 रुपए किलो लग जाएगी पचास रुपए, जैसे गेहूं 2500 बिक रहा है, आटा 4 रुपए किलो क्यों है? मैं इनकी भक्ति बताऊं सब भैया, एक मिनट, अगर आज ये कह देना जितने भाजपा के लोग हैं उन्हें 2000 रुपए लीटर डीजल मिलेगा, अंधभक्ति ऐसे सिम चली जाएगी। चलिए 2024 में क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, बीजेपी कह रही है मैं ही मैदान में, और क्या पूछा अगर 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल बिकेगा तब भी मोदी को ही वोट देंगे, और मोदी देने वाले तब भी देंगे। इसे कहता है पक्की अंधभक्ति। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया कहना क्या चाहते हैं आपने, जय जयकार कर ली, राम का नाम सत्य है, थोड़ा सा राम का नाम सत्य, अम्बा चल रहा हूँ, राम किसके नाम है, राम का नाम सत्य है, राम किसके नाम, राम का नाम सत्य है, राम सब, राम राम किसके नाम, हमारे भगवान ना, राम हनुमान हमारे भगवान ना, हनुमान रहमान रहमान जब रहमान, हाँ जय श्री राम, सब नाम ही आता है, जय श्री राम, बीजेपी आई बात खत्म, बीजेपी आई, जय श्री राम, ठीक है भैया, कह रहे 500 रुपए लीटर तेल हो जाए लेकिन आएगी बीजेपी, बिल्कुल जय श्री राम, बिल्कुल ये सरकार घोषणा कर देनी चाहिए, वैसे सरकार को ये घोषणा कर देनी चाहिए, जो मोदी मोदी सपोर्टर है या भाजपा सपोर्टर है उन्हें 500 रुपया देगा और जो आम जनता इन्हें 50 रुपया दे दे, ठीक है भैया, क्या है कि 500 रुपए लीटर भी तेल हो जाता है। भैया अंधभक्त नहीं हूँ मैं, पहले क्या था अंधभक्त नहीं हूँ, चले मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, सरकार दे नहीं, हमें सरकार महंगी सरकार नहीं चाहिए, हमारे माँ बाप वहाँ पड़े हैं खेतों में पड़े रहते हैं, सब गाँव माता खा जाती है, उनकी व्यवस्था यहाँ तो 29 रुपए गेहूँ जो हम कमाएंगे तभी तो खाएंगे, हमारा 4 क्विंटल होना चाहिए, 2 क्विंटल हो रहा है। बीजेपी कह दिए भैया, मोदी जी कहते हैं कि अब तो इंसान अच्छा खा कमा रहा, फिर जेब में बचत भी हो जाती है, नहीं हो रही, नहीं हो रही, मैं 12 साल से नोएडा में हूँ, नोएडा में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन वो बार नहीं है जो कांग्रेस में महंगाई होती थी, इतनी महंगाई नहीं होती थी, महंगाई हर सरकार में होती है, लेकिन इतनी सरकार में किसी में महंगाई नहीं देखी जितनी कांग्रेस में कम थी, तो दिन अच्छे थे क्या उस वक्त? नहीं उसमें दिन अच्छे थे, इसमें दिन अच्छे नहीं है। कि अच्छे दिन आएंगे गरीबों के? मैं बीजेपी को मैंने भी वोट दिया, लेकिन ना अब मैं नहीं भाई। आप कान पकड़ लिए? बिल्कुल, जब तक जिंदा रहूंगा, जीवित रहूंगा, मोदी अंधभक्ति नहीं है। आपने कहा एक मिनट भैया, आपने बीजेपी को वोट दिया था तब क्या उम्मीदें थी आपकी? उम्मीदें तो उन्होंने बरगला लिया, लाली पाप दिया, हम लोग चूसते रहे अंधभक्त, अब नहीं आने वाले हैं, आप नहीं देंगे वोट? ना, ना ना ना, हर बार थोड़ी ना, अगले को आने दो, किसी और को चांस दो, फिर 50 साल तक रहेगी बीजेपी। अरे 50 साल, 50 साल में कहो अभी रात में ही मर जाऊँ, 50 साल क्या है, कौन है अंधभक्त करे 50 साल रहेगी? अमित शाह कह रहे 50 साल राज करेगी बीजेपी, देखो रात में सुबह नहीं है, आज की आज देखो, कल तक होगा तब देखा जाएगा। मोदी जी तो कह रहे कि सब तक जाइए, सबका साथ सबका विश्वास है, विकास है, सबका विनाश है, गरीब आदमी का विनाश है, गरीबों का विनाश, गरीबों का विनाश है, गरीबों की तो सरकार है, गरीबों को कौन सुन रहा है बताओ, गरीब मर रहा है, हम लोग घूमते हैं गलियों में, घूमते हैं गाँव से आते हैं, नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाए, किराया भाड़ा लगा के आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, कंपनी में 15 दिन काम किया, काम हल्का हुआ बाहर क्या है,
हमको रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ के यही छोड़ के जा रहे हैं। इतनी महंगाई, कमरे का मालिक किराया बढ़ाए। मोदी जी कहे तो है 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, इंतजार कीजिए ना। जो मेरे भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी देना मोदी। नौकरी रखी जो लायक है वो तो गली गली घूम रहे हैं, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है। पकौड़े तल लो, पकौड़े जब जेब में पैसा होगा तभी तो पकौड़े खाऊंगा, पैसा होगा तभी तो पकौड़े खाऊंगा। पकौड़े पकौड़े के लिए पैसा चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सब कुछ खराब कर दिया, फिर खाएगा कौन? आप बुराई ही करेंगे, कुछ काम भी अच्छा नहीं। मैं बुराई ना कर रहा हूँ ना भलाई कर रहा हूँ। मैं अंधभक्ति ना बहुत कर ली, अंधभक्ति। अंधभक्त अंधभक्त पता नहीं है उन्हें की जय श्री राम क्या? मैं नहीं बोल सकता हूँ जय श्री राम क्या है। राम मेरे में सबके राम है, देवी देवता तो सबके हैं। क्या उन्होंने खरीद रखा देवताओं को? क्या राम को खरीद लिया है? हाँ, कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही। घर में 2 अगरबत्ती नहीं लगाएंगे, पूजा नहीं करेंगे राम खाने के लिए। आ जाइए तो राम मंदिर को, राम को देने वाले हैं। राम मंदिर तो बीजेपी ने बनवाया ना, तो बीजेपी के तो गुणगान करेंगे। बीजेपी ने क्या, अपने मोदी ने अपने घर से खेत बेच के पैसा ले आए, मंदिर बनवा दिया। पैसा तो हमारा है, घर से पैसा ले आया था, गुजरात से ले आया, मंदिर बनवा दिया। बताओ कोई घर से ले आता है? घर से ले आते हैं पैसा, नहीं ना। हर मोदी घर घर मोदी, फिर से मोदी लहर, मोदी हर मोदी, होने दो। 2024 में क्या होगा? होगा तो आगे देखा, पब्लिक है। है कोई चेहरा ऐसा जो टक्कर दे दे मोदी जी को? टक्कर टक्कर तो अखिलेश भैया के, अखिलेश भैया बहुत है टक्कर देने वाले। क्या बताऊं, कोई नहीं है विपक्ष में चेहरा। पीएम मोदी मतलब चुनाव जीत जाते हैं, बस उनके चेहरे से ही कमाल हो जाता है। अरे आप मैडम क्या बहस करें, है आपको लग रहा है कि कोई टक्कर दे देगा? अब की बार राहुल टक्कर देगा, राहुल गांधी यात्रा से टक्कर देगा। एक बार देख लो उसे भी, इन्हें तो 2 बार चांस दिया, एक बार उसे भी दो। एक बार नहीं, वो जो घूम रहे हो उसको कुछ फायदा हो रहा है उससे? बताना जरा, मोदी से क्या फायदा हो गया? मरे वो तो नौजवान है तो घूम रहे हैं, उसके साथ बुड्ढे बुड्ढे जो नेता वो भी परेशान हो रहे हैं। क्या फायदा हो गया? फालतू घूम रहे हैं, क्या फायदा उससे? जुड़ रहे कह रहे उनकी विचारधारा जाम कर रहे बस, ट्रैफिक जाम कर रहे बस। ये वो है, अरे इधर आइए। क्या क्या देश को जोड़ने निकले? अभी नहीं अभी योगी का औलाद नहीं, मोदी का औलाद नहीं, अभी हमारी सुनो। चलिए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने लॉलीपॉप देकर लोगों को बेवकूफ बना दिया, वोट ले लिया, वोट भी ले। अगर आप तो पीएम बना जितने भी हम क्या पीएम बन जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ जितने भक्त है मोदी की तरह और योगी की तरह अपने लुगा। चलिए ठीक है, ठीक है, आपको पीएम बना दे तो क्या काम करेंगे? आपकी सबसे पहले क्या काम? हम कहाँ पीएम बन जाएंगे? हम क्यों ऐसी बात बोले? हम उस लायक नहीं है तो मैं क्या बोलूं? देखो, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी जनता जो सब कुछ सच कहती है और मुद्दों पर बात करती है, यानी कि सीधी बात, नो बकवास। और ये जनता है आने वाले चुनावों में सीधी मात देगी। ऐसे में बीजेपी जो कह रहे हैं कि 2024 के साथ साथ 29 भी जीत हासिल कर लेंगे, और विपक्ष कह रहे हैं कि इस बार हम सीधी चेतावनी यानी कि सीधी चुनौती हम देंगे बीजेपी को। तो ऐसे में जनता भी तैयार है, उधर सरकार और विपक्ष भी तैयार है, रणनीतियां सबने बना ली है। 2024 में क्या खेला होने वाला है यही जानने के लिए हम लोगों के बीच, और साफ बता दिया है कि इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा, मुद्दों पर बात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।